इस चैनल पर ई बुक प्राप्त करने के लिए हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार हैं तथा बुक भी ई बुक तैयार हैं। हमारे अमेज़ोन साथ ही साथ विभिन्न प्ले स्टोर गूगल के प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे चैनल पर ई बुक प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारा ऐप है सीटेट एग्जाम एग्जामिनेशन में समस्त अध्ययन दिया गया है और इसमें हैंड राइटिंग नोट्स हैं। हाँ, प्रश्न आता है कि आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने वाले पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की छोटी इकाई DNA होती है। तो DNA डियाक्सीमाउस न्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं, अर्थात एक द्विलंगिकार संरचनाएं होती हैं। खोज इसका फ्रेडरिक मिशर ने किया था, संरचना मॉडल वाटसन रिफ्रिक ने किया था। जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है ये द्वि कुंडली युक्त संरचनाएं होती हैं। DNA केंद्रक माइटोकांड्रिया हरित लवक आदि पाया जाता है। नाइट्रोजनी में विभिन्न प्रकार के ये तथ्य पाए जाते हैं जैसे प्यूरीन प्यूरोमेट। DNA की इकाई जीन होती है जिसमें RNA एक कुंडली वार संरचनाएं। DNA से ही RNA का संश्लेषण होता है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरिन आ जाता है। यह केंद्रक कोशिकाओं द्रव्य में पाए जाते हैं। इसी साथ साथ हरित लवक में पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। DNA पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें क्लोरोफिल प्रहरित पाया जाता है। अवर्णी लवक में रंगहीन जड़ों तथा भूमिगत तनु से प्राप्त होते हैं। वर्णी लवक रंगहीन लाल पीले नारंगी आदि रंग के होते हैं, जबकि वर्णी लवक इसी तरह से गेंद का पीला रंग जैसे थायोफिल, टमाटर का लाल रंग जैसे लाइक्रोपीन, गाजर का लाल रंग जैसे कैरोटीन, चुकंदर का लाल रंग जैसे विटरनीन तथा मिर्च का लाल रंग पैप्सेरिन होता है। इसी तरह बैंगन का बैंगनी रंग एग्रोसाइसिस, हल्दी का पीला रंग कुरकुरमीन तथा पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन होता है। तो इस तरह से हम आगे गालजिकाई के विषय में देखते हैं तो